बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और हदीसे कुदसी में क्या फर्क है? सही जवाब है, कुरान हमेशा बेदारी की हालत में नाजिल हुआ और अल्फाज भी अल्लाह के, जबकि हदीसे कुदसी ख्वाब में भी आई और मजमून अल्लाह का और अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के। सबसे ज्यादा रवायात किस सहाबी ने की हैं? सही जवाब है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। क्या आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी किस पारे में है? सही जवाब है, तीसरे पारे में। किस नबी की एड़ियां रगड़ने से आबे जमजम जारी हुआ? सही जवाब है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। किस सहाबी की शक्ल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम से मिलती थी? सही जवाब है, हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो कौन से सहाबी हैं जिनके कबूले इस्लाम के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई? सही जवाब है, हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किस फरिश्ते को असल शक्ल में देखा और उसके कितने पर थे? सही जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को और उनके 600 पर थे। वो कौन सी चीजें हैं जो अगर किसी की आदत बन जाए तो वो मुनाफिक बन जाता है? सही जवाब है, झूठ, फसाद, गाली गलूच, अमानत में खयानत वगैरह। रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक कैसी है? सही जवाब है, रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की बू से भी बेहतर है। सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है? सही जवाब है, कुत्ते का। वो कौन सी बुराई है जो करते तो दूसरे हैं लेकिन गुनाह आपको होता है? सही जवाब है, वो बुराई जो आप दूसरों को सिखाते हैं।